सो गाइज यहाँ पे जो लोग एक टॉल बॉय डिजाइन कार लेने वाले थे उन लोग के लिए बहुत ही बढ़िया खबर है, क्योंकि यहाँ पे XL5 का डिजाइन फाइनली रिवील हो चुका है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि डिजाइन में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू द वैगनार। पर मैं बात कौन सी गाड़ी की कर रहा हूँ, मैं वैगनार 2021 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ XL5 के बारे में जो आपको नेक्सा शोरूम पे देखने को मिलेगी और जो बेसिकली वैगनार का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो डिज़ाइन रिवील हुए हैं उसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, डिज़ाइन कैसा होगा, इंटीरियर कैसा रहेगा, सेफ्टी के मामले में क्या वैगनार से बेहतर रहेगी इन टर्म्स ऑफ एयर बैग, ABS, EBD एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और फाइनली प्राइजिंग क्या रहेगी वैगनार के कंपेरिजन में। तो आज के टाइम में 2021 में अगर आप मारुति की कोई कार लेना चाहते हैं, स्पेशली वैगनार, या फिर आपको कन्फ्यूजन हो टॉय बॉय डिज़ाइन गाड़ी को लेके कि वैगनार लें या फिर सेंट्रो लें, उससे अच्छा यहाँ पे आप XL5 को कंसिडर कर सकते हो, पर क्यों वो इस वीडियो में अपन बात करेंगे। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट अबाउट द ऑल डिटेल्स ऑफ XL5, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर सकते हैं, और जो नए यूजर्स हैं वो सब्सक्राइब तो दबाएं सही, उसके बाजू में एक बेल आइकन होगा उसको जरूर से प्रेस करें, वरना क्या यार नोटिफिकेशन नहीं जाते बेल आइकन दबाए बिना। और तो और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो करें, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है parth.sony75। So without wasting time, let's get started. सो गाइज यहाँ पे एक बात तो पक्की इस फोटो को देख के कि यहाँ पे 70-80% तक डिज़ाइन वैगनार से ही कॉपी किया गया हुआ है। यहाँ पे अगर फ्रंट एंड डिज़ाइन की बात करें तो वो जिस तरीके के आजकल फ्यूचरिस्टिक कार आ रही हैं या फिर जिस तरीके का आपको फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन हैरियर, हेक्टेयर, वेन्यू वगैरह में देखने को मिलता है, उसी तरीके का डिज़ाइन यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया गया है XL5 के अंदर अंदर। हालांकि आप मुझे बताइए फोटो देख के कि क्या आपको ये डिज़ाइन पसंद आ रहा है वैगनार पे या फिर नहीं। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर की तरफ स्लीक ये DRLs विद राउंडेड टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। आई डोंट नो कि यहाँ पे राउंडेड टर्न इंडिकेटर्स रखने का क्या ऑप्शंस था, वो यहाँ पे इंटीग्रेटेड रख सकते थे छोटी छोटी लाइट्स के फॉर्म में बेसिकली। देन यहाँ पे नीचे की तरफ यानी कि ग्रिल के जस्ट नीचे आपको मेन हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको हेलोजन हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलता है, और टॉप एंड वेरियंट में प्रोबेबली यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर्स ऑफर हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ ट्राइंगुलर शेप में या फिर ओवल शेप के आपको मेन हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे, एंड सबसे नीचे की तरफ आपको राउंडेड फॉग लैम्प्स देखने को मिल जाते हैं। अब अगर इस फोटो को ध्यान से देखें तो कुछ लोगों ने ऑब्जर्व कर ही लिया होगा कि यहाँ पे आखिर मारुति का लोगो क्यों नहीं बल्कि टोयोटा का लोगो क्यों दिख रहा है। एक बात जानते होंगे कि यहाँ पे मारुति और टोयोटा का वेंचर कोलैबोरेशन है, तो बेसिकली ये गाड़ी प्रॉपरली बाहर लॉन्च हुई है, वो भी टोयोटा ने लॉन्च करी इन कोलैबोरेशन विद मारुति सुजुकी। तो ये ग्लोबल कोलैबोरेशन है, इसी वजह से अभी तक तो ऐसा हो रहा था कि टोयोटा मारुति के डिजाइन्स कॉपी करता था, पर यहाँ पे अब मारुति क्या करेगा, टोयोटा के इस तरीके के फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन को कॉपी करके एज एन XL5 इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है। कुछ यही सारी चीज़ें हैं, डिज़ाइंस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं टोयोटा और मारुति के बीच में। अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से किसी ने ऑब्जर्व करा होगा तो यहाँ पे आपको ग्रिल देखने को नहीं मिल रही, केवल नीचे की तरफ देखने को मिलती है। वो इसलिए क्योंकि ये गाड़ी जो बाहर लॉन्च हुई है वो बेसिकली एक इलेक्ट्रिक कार है, पर यहाँ पे जो XL5 आएगी वो पेट्रोल वर्जन में आएगी, तो आपको मारुति की जिस तरीके की हनीकॉम मेज ग्रिल आती है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। यहाँ पे अगर साइड लुक्स की बात करें तो टोटल एंडेड में ये वैगनार जैसी ही लगती है, थोड़े बहुत आर्चेस और एजेस बढ़ा दिए हैं, नथिंग मोर देन दैट। यहाँ पे आपको ORVM बॉडी कलर देखने को मिल जाते हैं विद इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स। हाइट आप देख सकते हैं हमेशा की तरह वैगनार के ही बराबर है, तो टॉल बॉय डिजाइन गाड़ी हम इसको कह सकते हैं या फिर टॉल बॉय डिजाइन कार। नेक्स्टली यहाँ पे और नीचे की तरफ चलें तो यहाँ पे सबसे नीचे की तरफ मेन हाइलाइटेड होते हैं इसके ब्लैक अलॉयज, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और एक हायर लुक्स देते हैं। तो डेफिनेटली क्योंकि एक नेक्सा शोरूम में आ रही है तो इग्निस के आपको अलॉयज बेसिकली कैरी फॉरवर्ड होंगे। जो एक बेकार बात लगी सबसे ज़्यादा वो है इसके डोर हैंडल्स, आपको वैगनार के ही जैसे देखने को मिलते हैं ओल्ड स्कूल डिज़ाइन के, पर हालांकि इसी तरीके के आपको साइड लुक देखने को मिल जाता है। गाइज अगर बैक लुक की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वैगनार की डिट्टो कॉपी है।
टेल लैंप्स आपको उसी तरीके के स्लीक लॉन्ग डिजाइन में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें रहेंगी कि एलईडी टेल लैंप्स की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। पीछे से इसका डिजाइन थोड़ा सा ज्यादा बल्जी है वेगनार के कंपैरिजन में, और वो होना भी चाहिए, बट वैसा नहीं होना चाहिए जिस तरीके का इग्निस में देखने को मिलता है। बहुत ही बेकार लगता है मुझे तो पर्सनली, अगर आप कहें तो। यहाँ पे आपको रेयर वाइपर, डिफॉगर और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है, पर टॉप एंड मॉडल में ओनली एंड ओनली। बैक लुक का तो यही डिज़ाइन है, यही सारी चीज़ें बैक एंड फ्रंट एंड में ऑफर हो जाती हैं। अब ये मान के चलो कि बेसिकली जो जो भी चीज़ें आपको वैगनार में देखने को मिलती है वो सारी चीज़ें तो XL5 में रहेंगी रहेंगी, पर थोड़ा सा और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा प्रीमियम वर्जन। तो हम कह सकते हैं कि XL5 एक प्रीमियम वर्जन है वैगनार का। अगर इंटीरियर की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें अभी कंपनी ने रिवील नहीं करे हैं, पर जिस तरीके से नेक्सा के सारे डिज़ाइंस आपको ऑल ब्लैक देखने को मिलते हैं, तो उसी तरीके की यहाँ पे आपको XL5 के अंदर ऑल ब्लैक इंटीरियर देखने को मिलेगा। सीट्स हुआ, डैशबोर्ड हुआ, और उसमें आपको सिल्वर या फिर क्रोम फिनिश पे वर्क देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें XL6 और आर्टिका के पैरेलल देखने को मिलेंगी, जैसे कि एसी वेंट्स हुआ, सेंट्रल कंसोल में इसका स्मार्ट ऑडियो प्लेयर हुआ, यहाँ पे आपको मैनुअल एसी वेंट्स और ऑटोमेटेड तो देखने को मिल ही जाते हैं। फिलहाल अभी ये मैनुअल में ही आएगी, ऑटोमेटिक में AMT में आने के चांसेस थोड़े से कम ही हैं। स्टेयरिंग टिपिकली इग्निस जैसा ही होगा, और ऑडोमीटर और स्पीडोमीटर एनालॉग देखने को मिलता है। पीछे की तरफ एसी वेंट्स नहीं आएंगे, पर स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा वैगनार के कंपैरिजन में। सो यही सारी चीज़ें हैं जो कि XL5 में ज़्यादा ऑफर हो जाती हैं एज कम्पेयर टू द वैगनार। सेफ्टी की बात करें तो बेस एंड मॉडल में एक एयरबैग और टॉप एंड मॉडल में दो एयरबैग हो जाते हैं। ABS, EBD और ब्रेक असिस्ट आपको एज ए स्टैंडर्ड देखने को मिल जाएगा। यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको XL5 में ऑफर होती हैं। अगर हाँ, यहाँ पे अगर बात करें इंजन की, तो इंजन में चेंजेस आ सकते हैं। यहाँ पे 1.0 लीटर आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, थोड़ा बहुत डोलम डोल है, पर यहाँ पे 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जो कि आपको स्विफ्ट में देखने को मिलता है। तो प्रोबेबिलिटी यही है कि थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें ऑफर हो रही हैं, रिफाइनमेंट ज़्यादा रहेगा। आप में जानते हैं स्विफ्ट का 1.2 लीटर कितना बेहतरीन परफॉर्म करता है और कितनी बढ़िया रिफाइनमेंट है उसकी, जो कि 83 BHP की पावर और 139 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। यही सारी चीज़ें XL5 के बारे में। फाइनली कंक्लूड करते हैं, बात करते हैं प्राइस के बारे में। यहाँ पे वैगनार की प्राइस हम सबको पता है कि भाई यहाँ पे 4.5 लाख से चालू होकर 6.33 लाख तक जाती है, 4.7 लाख मान लो उसको, 4.7 से 6.33 लाख रुपीज़ है। XL5 थोड़ी सी एक प्रीमियम वर्जन वाली गाड़ी है, नेक्सा में अवेलेबल होगी, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको ज़्यादा चीज़ें ऑफर होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है 5.2 से 5.5 लाख आपको एक शोरूम XL5 देखने को मिलेगी। थोड़ी सी ओवर कॉस्टली मैं जानता हूं, क्योंकि आज के टाइम में इस प्राइस रेंज में काफी अच्छी अच्छी गाड़ियां आपको देखने को मिल जाती हैं। स्पेशली आपको यहां पे काइगर और मैग्नाइट जैसी SUVs, कॉम्पैक्ट SUVs ऑफर हो रही हैं, तो यहां पे कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाता है। पर उन लोगों के लिए अच्छी जिनको मारुति की गाड़ी चाहिए, टॉल बॉय डिजाइन गाड़ी चाहिए और ज्यादा प्रीमियमनेस चाहिए। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द इन्फॉर्मेशन अबाउट XL5। अभी यहां पे लॉन्च के बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं आई है, जब भी आएगी तो मैं आपको यहां पे बता दूंगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।